हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पोको X2 की टीचर वीडियो में मिली डिजाइन की झलक। जी हां दोस्तों, मैं पोको X2 के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और आपको रियल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा जो कि मैं यह वीडियो बनाता पूरा रियल स्पेसिफिकेशन के साथ में, पूरा सबूत के साथ, जो कि कोई भी एक भी बात मेरा वीडियो में फेक आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट और रियल स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पोको X2 भारत में 4 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। अब लॉन्च का समय करीब आने के साथ कंपनी इस फ़ोन को लगातार टीच करने में है। हालिया टीचर्स में यह जानकारी मिली थी कि पोको X2 मौजूदा रेडमी K30 का रिवार्डिंग वर्जन हो सकता है, जिसे सौमी ने चीन में दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। हालांकि सौमी ने रेडमी K30 को फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं किया है। अब एक नया टीचर्स लगभग कंफर्म करता है कि कंपनी रेडमी K30 भारत में पोको X2 के नाम से लॉन्च कर सकती है। नया टीचर्स पोको X2 के डिज़ाइन की एक झलक दिखता है। इस फ़ोन को टीचर्स में पर्पल रंग में देखा जा सकता है। इसे पता चलता है कि डिवाइस के पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जैसा इससे पहले रेडमी K30 में भी देखने को मिला। इसके अलावा फ़ोन के बैक में शामिल कैमरा सेटअप की भी हल्की झलक मिलती है, जिसमें पोको X2 का कैमरा सेटअप रेडमी K30 में शामिल कैमरा सेटअप से मेल खाता। इन सब जानकारी में अहम अंदाज लगा सकते हैं कि सौमी भारत में रेडमी K30 को पोको X2 के तौर पर उतार सकती है। हालांकि फिलहाल कंपनी ने इसे लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। और यहां पे अभी तक मिली लीक कुछ रेडमी और लाइव तस्वीर पोको X2 के रेडमी K30 होने का भी इशारा कर रही है। हालांकि कंपनी के आधिकारिक घोषणा के बिना यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पता दे कि पोको X2 कंपनी 4 फरवरी को 12 बजे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह फ़ोन फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा। यह एक हालांकि टीचर ने इस फ़ोन में क्विक कूलिंग टेक्नोलॉजी शामिल होने की जानकारी दी है। इसके अलावा कंपनी इस फ़ोन को 27 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी टीच किया है। कंपनी का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी फ़ोन को 0 से 40% तक 25 मिनट में चार्ज करेगी। इस फ़ोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जो के शामिल होने की भी खबर है। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फुल स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्पेसिफिकेशन। आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 6.67 इंच का, प्रोसेसर क्वाइक स्नैपड्रैगन 730G, फ्रंट कैमरा 20MP प्लस 2MP का, रियर कैमरा 64MP प्लस 2MP प्लस 8MP प्लस 2MP, यानी आपको 4 रियर कैमरे मिलेंगे। रैम 6GB, स्टोरेज 64GB, OS एंड्रॉयड वर्जन 1080। तो यह थी दोस्तों पोको X2 के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन और 4 तारीख को लॉन्च होने वाला। लॉन्च होने के बाद मैं उसके अलावा प्राइज और पूरा डिटेल में आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के स्पेसिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिए, लिंक आपके वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।